नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम आए हैं एक केस देखने खलीलपुर में, श्री राकेश सिंह के यहाँ। उनके गाय के पैर में ट्यूमर हो गया है। पहले छोटा सा वार्ट था, मस्सा था, बहुत छोटी साइज का था। धीरे धीरे यहाँ पे एक्चुअली जो है घुटनों के पास है, रगड़ लगने के कारण धीरे धीरे इसमें फ्रिक्शन से ग्रोथ होता गया और ये बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसा कि देख सकते हैं आप, साफ दिख रहा है बहुत बड़ा सा ग्रोथ हो गया है और ग्रोथ ट्यूमरस हो गया है। इसमें कीड़े भी पड़ गए हैं, पस जैसा हो गया है, खून बह रहा है, बहुत गंदी कंडीशन हो गई है इसकी। और इसको अब सर्जिकली रिमूव ही करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इस पे जो पट्टी बांधी थी किसान भाई ने, उसको निकाला और अब इसको पीपी लोशन से एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करेंगे। धुलने के बाद अब इसको डिसेंसिटाइज करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया जाइलोकेन देंगे 5 ml, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे जिससे कि गाय को दर्द ना हो, क्योंकि गाय प्रेग्नेंट है, 7 महीने के ऊपर हो गई है। तो हम लोग इसको रिस्ट्रेन करके गिरा के नहीं कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में ही कर देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा पैर हल्का सा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, संभाल के हम लोग बचा के कर देंगे ऑपरेट और सही हो जाएगी। जैसा कि अब ये डिसेंसिटाइज कर दिए हैं, हल्का ब्लीडिंग पहले से ही हो रही है अभी थोड़ा, क्योंकि इसमें जो है ये मांस जो गांठ बनी है इसमें नसें भी हैं, 3-4 नसें कम से कम इसमें आई होंगी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यही है कि काटने के बाद जो है इनके ब्लड को रोकना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इसका हम लोग सर्जिकली रिमूव करने के बाद इस पर बैंडेज चलता रहेगा जब तक घाव नहीं भरता। इस तरह के केसेस जैसे छोटा वार्ट हो तो आप लोग ध्यान दें, होम्योपैथिक दवाएं आती हैं, थूजा जेल आता है, थूजा लिक्विड पिलाने वाला आता है, उसको देने से भी सही हो जाता है। और एक इंजेक्शन आता है एंथियोमेलिन, उसको 15 ml अल्टरनेट डे पे लगाने से वार्ट का केसेस काफ़ी हद तक, छोटे छोटे वार्ट जो होते हैं, छोटी गांठें होती हैं, वो सही हो जाती हैं। लेकिन इस तरह से जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फट जाता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि सर्जिकली उसको रिमूव करके वहाँ पे, अगर सूचर की जगह हो जैसे यहाँ पे हमने निकाला, अगर थोड़ा सा गांठ के पास है, यहाँ सूचर नहीं कर सकते, अन्य कहीं जगह हो तो उसको निकाल के सूचर कर देते हैं, सिल देते हैं, तो वो जल्दी घाव भर जाता है, ये तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये देखिए, करीब करीब 0.5 किलो से ज़्यादा है इसका वज़न। ये बहुत बड़ा मांस है पूरा, जिसको अभी निकाला गया। अब जैसे कि गाय को निकालने के बाद, इसको ड्रेसिंग करने के बाद इंजेक्शंस सूखने के लिए एंटीबायोटिक एक लगाना पड़ेगा, सिंपल एंटीबायोटिक कोई भी चला सकते हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द सूजन के लिए, और CPM उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स का एक इंजेक्शन, और साथ में जैसे कि यहाँ पे नसें थी, बहुत तेज खून निकल रहा था, हमने यहाँ पे कॉटराइज किया है, पोटेशियम परमैंगनेट के पाउडर को वहाँ पे रख के बांध दिया है। इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट से कॉटराइज कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छे से जैसे कहते हैं दाग दिया तो ब्लड रुक जाता है, उसको लगा के बांध दिया। और उसमें कोई और लोशन और बीटाडीन और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी से पट्टी कर दिया गया। एक दिन बाद वो जब चेंज किया जाएगा तो उसमें कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक इंजेक्शन आप दे सकते हैं एथेमसाइलेट का, क्लोटेक्स के नाम से आता है, या तो एम्ब्लाक आता है या अन्य और सारी ट्रेनेक्सा आता है, ट्रेंजामिक एसिड होती है, जिसमें खून रोकने के लिए इंजेक्शन एक लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन 2-3 दिन रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिकली ये बाहर ही है। घाव तो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बढ़िया से होती रहेगी, भर जाएगा। मक्खी ना बैठने पाए तो इसके लिए हिमैक्स क्रीम है, उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये घुटने पे है, एकदम ऐसी जगह पे है कि मूव करेगी गाय,
तो थोड़ा देर हम लोग इसको वॉच जरूर करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं अब इसमें ब्लड भी नहीं निकल रहा है और ठीक लग रही है, स्थिति सही है।